रात के 12 बज रहे थे, लेकिन 21 साल के हरीश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो इधर उधर करवटी बदल रहा था और काम्या के बारे में सोच रहा था। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की गैलरी में काम्या की तस्वीर को जूम करके देखने लगा। जैसे जैसे काम्या की तस्वीर बड़ी और नजदीक होती जा रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि ईश्वर ने टाइम निकाल कर इन्हें बनाया है। काश ये हमेशा के लिए मेरी हो जाए। काम्या के बारे में सोचते हुए हरीश को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। 35 साल की काम्या बहुत ही खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, घुंघराले काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें, जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज कॉलेज में कुछ जरूरी मीटिंग है, इसलिए जल्दी पहुँचना होगा। अरे, नाश्ता तो कर ले। माँ, मैंने चाय पी ली है, कैंटीन में कुछ खा लूंगी। काम्या अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहती है। काम्या ने अब तक शादी नहीं की थी। वो दिल्ली के ही एक कॉलेज में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी। अपने सब्जेक्ट में वो बहुत ही माहिर थे, इसलिए कॉलेज के प्रोफेसर के साथ साथ स्टूडेंट्स भी उसे बहुत मानते थे। काम्या आज भी अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रही थी। उन्हीं स्टूडेंट्स में हरीश भी था, जो उसे घूर घूर कर देख रहा था और मन ही मन उनके बारे में कुछ सोच रहा था। इकोनॉमिक्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट्स को भी काम्या मैम कितना इंटरेस्टिंग बना देती है। ये खुद भी तो इतनी इंटरेस्टिंग है, इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हरीश काम्या मैम के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी काम्या ने उससे एक सवाल पूछा। अब हरीश का ध्यान उनकी पढ़ाई पर रहता तब तो वो जवाब देता, उसका ध्यान तो काम्या मैम पर था। हरीश, क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं जब भी तुमसे कोई सवाल पूछती हूँ तुम इधर उधर देखने लगते हो। वो मैम, मैं इधर उधर नहीं देख रहा था, मैं तो आपको ही देख रहा था। आपसे नजर हटती ही कहाँ मैम। उसके ऐसा कहते ही पूरी क्लास हंस पड़ी। हरीश, ये तुम क्या कह रहे हो? मैम की डांट सुनते ही हरीश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बात को बदलते हुए कहा। सॉरी मैम, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि कोई कहीं और कैसे ध्यान दे सकता है। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। उसी दिन की बात है, लंच का समय खत्म हो गया था। हरीश स्टाफ रूम के बाहर काम्या मैम का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैम स्टाफ रूम से निकलकर दूसरी क्लास की ओर बढ़ी, पीछे से हरीश ने उन्हें टोकते हुए कहा। एक्सक्यूज मी मैम। हरीश, तुम यहाँ? तुम्हें तो अपनी क्लास में होना चाहिए। मैम, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? हाँ बोलो, क्या बात है? उसके बाद हरीश ने डरते डरते धीमे से काम्या मैम से कहा। मैम, मैं आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ। ट्यूशन? पर मैं तो ट्यूशन नहीं पढ़ाती। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे यही पूछ लो, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगी। सॉरी मैम, लेकिन यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि मैं पूछ ही नहीं पाता, और कभी कभी तो लगता है कि कहीं मेरे किसी क्वेश्चन पर वो हंस ना दे। अरे ये क्या बात हुई, क्वेश्चन पूछने पर कोई क्यों हंसेगा? जितनी मर्जी है और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सवाल है तुम पूछो, एक बार नहीं बार बार पूछो, लेकिन ट्यूशन के लिए मुझसे मत कहो। लेकिन हरीश अपनी जिद पर अड़ा रहा और काम्या को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। मैम, मेरा इकोनॉमिक्स बहुत ही कमजोर है, मुझे लगता है कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो पूरे कॉलेज और घर वालों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। मैम, मेरे पापा किसान है, बहुत ही मेहनत से वो मुझे और मेरी बहन को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उन्हें हम दोनों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर मैं फेल हो गया तो वो टूट जाएंगे। मैम, ये कहते हुए हरीश रोने लगा। हालांकि उसके आंसू घड़ियाली थे और वो किसी तरह काम्या के घर जाना चाहता था, ताकि वो काम्या मैम के साथ अकेले में कुछ समय बिता सके, उन्हें देख सके, उन्हें महसूस कर सके और एक दिन अपने दिल की बात उनसे कह सके। लेकिन काम्या को इस बात का कहां पता था, उसके लिए तो हरीश भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही था। आखिरकार काम्या ने उसे एक घंटे घर पर ट्यूशन देने की बात कही, साथ ही ये भी कहा कि हरीश, तुम ये बात किसी और स्टूडेंट को मत बताना कि मैं तुम्हें ट्यूशन दे रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ट्यूशन के बहुत ही खिलाफ हूँ। भला ये बात हरीश किसी को क्यों बताता? हरीश अगले दिन से काम्या मैम के घर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। हरीश को काम्या के घर जाते हुए एक हफ्ते हो गए थे। एक दिन काम्या उसे पढ़ा रही थी और वो हमेशा की तरह पढ़ाई से ज्यादा उनकी खूबसूरती में खोया हुआ था। मैम, बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। मैम, आप गलत प्रोफेशन में हैं। क्या मतलब गलत प्रोफेशन में हूँ? तुम्हारे हिसाब से मुझे किस प्रोफेशन में होना चाहिए था? मैम, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको तो हीरोइन होना चाहिए था। कसम से, फैंस की लाइन लगी होती आपके घर के बाहर, और उन फैंस में मैं सबसे आगे होता। उसकी
बातों को सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद माई प्रोफेशन। मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी ताकि समाज में वो बदलाव ला सकूँ जिससे समाज ग्रो करे, वो नए सपने देखे और इस दुनिया को खूबसूरत। हरीश काव्या के यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता रहा, लेकिन काव्या को अब ये एहसास होने लगा था कि वो पढ़ाई से ज्यादा उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। एक दिन तो उसने बहुत ही पर्सनल सा सवाल काव्या से किया, आपकी थिंकिंग आपकी ही तरह खूबसूरत है मैम, आप इतनी खूबसूरत हैं तो फिर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्या आप किसी से लव करती हैं? उस दिन काव्या ने हरीश को टोक दिया और कहा, देखो हरीश, तुम यहाँ जिस काम के लिए आते हो वही करो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो और ना ही पर्सनल बातें करो। मैं देख रही हूँ कि तुम पढ़ाई से ज्यादा मेरी निजी जिंदगी में इंटरेस्ट लेते हो, मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरा फेवरेट खाना क्या है, मैं शादी कब करूंगी नहीं करूंगी, इन सब बातों में मत उलझो। और अगर आईंदा तुमने इस तरह की बातें की तो तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको हर्ट किया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उस दिन हरीश घर जाकर काम्या के बारे में सोचता रहा। आज मैंने काम्या मैम का दिल दुखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर मैं प्यार करता हूँ उनसे और कोई भी प्यार करने वाला अपनी प्रेमिका को हर्ट तो नहीं करता। हरीश को ये सब सोचकर नींद नहीं आ रही थी, उसने उसी समय काम्या से माफी मांगने का सोचा। उसने अपने घर के गमले से एक गुलाब का फूल तोड़ा और रात के 10:30 बजे काम्या के घर की ओर चल पड़ा। आज मैं काम्या मैम से माफी तो मांगूंगा ही, साथ ही उनसे अपने दिल की बात भी कह दूंगा, आखिर एक ना एक दिन तो उनको बोलना ही पड़ेगा ना, बिना बोले तो उन्हें मेरे दिल की फीलिंग्स कैसे पता लगेंगी। काम्या के घर पहुँचते पहुँचते रात के 11:30 बज गए थे, हर ओर सन्नाटा छा गया था। काम्या के घर का दरवाजा भी बंद था। मैम के घर का दरवाजा तो बंद है, लेकिन मैं उनसे माफी मांगे बिना और दिल की बातें कहे बिना नहीं जाऊंगा। उसके बाद हरीश पाइप के सहारे काम्या मैम की बालकनी में पहुंचा, फिर घर के अंदर चला गया। काम्या उस समय सो रही थी, हरीश मैम को देखने लगा। मैम सोए हुए में भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें गले लगा लूं। हरीश मैम की तरफ बढ़ने लगा, तभी हरीश के मोबाइल की रिंग बजी। जब तक वो अपने फोन को साइलेंट मोड में करता, रिंग की आवाज से काम्या की नींद खुल गई। उसने अपने सामने हरीश को देखा तो वो बहुत डर गई। हरीश, तुम यहाँ और इस वक्त तुम अंदर कैसे आए? मैम मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी किस बात की? मैम मैं आपसे पर्सनल सवाल अब कभी नहीं करूँगा। ये कहने के लिए तुम इतनी रात को और इस तरह मेरे घर आए हो? ये कहकर हरीश ने गुलाब का फूल काम्या की ओर बढ़ाते हुए कहा। आई लव यू मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे हर पल हर सेकंड हर जगह आप दिखाई देती हैं मैम, आई रियली लव यू मैम। ये सब क्या बकवास है हरीश, तुम होश में तो हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये कहकर हरीश काम्या की ओर एक बार फिर से बढ़ा। स्टॉप, आई सेड स्टॉप, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, नहीं तो अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। एक ही सेकंड में सारी आशिकी बाहर आ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं मैम, किसी को प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है? देखिए पुलिस को मत बुलाइए, मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए, वैसे मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे चाहती हैं, बस कहने से डरती हैं। अगर मुझे नहीं चाहती तो फिर ट्यूशन के लिए क्यों अलाउ किया मुझे? हरीश तुम्हें अच्छे से पता है कि ट्यूशन के लिए मैंने क्यों अलाउ किया, लेकिन लगता है मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं मैम, आपने कोई गलती नहीं की है, गलती तो मैंने की आपसे प्यार करके। पता नहीं इस दुनिया में प्यार को इस नजर से क्यों देखा जाता है, सभी कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो फिर कंडीशन लगाने लगते हैं। प्यार कंडीशन से नहीं होता है लेकिन उसकी सीमाएं तय है हरीश। मान लो कल को कोई इस तरह तुम्हारी बहन के कमरे में घुस जाए और उससे बदतमीजी करे, उसे जबरदस्ती प्रेम प्रस्ताव दे दो, तुम क्या करोगे? कोई मेरी बहन के कमरे में घुसेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अपनी बहन पर बात आई तो उसे जान से मारने लगे, मैं भी तो किसी की बहन हूँ, बेटी हूँ, बोलो मैं क्या करूँ? मैं भी मार दूँ तुम्हें जान से या तुम पर केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूँ? क्यों अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हो? हरीश, ये पढ़ने का समय है, करियर बनाने का समय है, उस पर ध्यान दो और कभी भी सीमाओं को मत लांघो। काव्या की बात धीरे धीरे हरीश को समझ में आने लगी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने काव्या से माफी मांग ली और वापस लौट गया। उस दिन के बाद उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू किया और जल्द ही उसकी गिनती अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में होने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।